Hey guys, welcome to Airsoft Gun India. Hey guys, welcome to Air Rifle India. आप बोल रहे हो एयर राइफल इंडिया क्यों बोल रहे हैं, हमारा नाम तो एयरसॉफ्ट गन इंडिया है। हाँ, हमारा नाम एयरसॉफ्ट गन इंडिया है, बट हमारे पास एयर राइफल इंडिया कई भी डोमेन है और हमारा यूट्यूब चैनल भी है एयर राइफल इंडिया, जिसका डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक डाल रखा है, तो आप एयर राइफल इंडिया भी जाकर के सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप राइफल के शौकीन हैं। दूसरी बात, हमारे ऑफिस में आए थे जर्मनी से जो है कंपनी के CEO, जो भी ये सारी गन्स इंडिया बेचते हैं, तो वो आए थे एंड दे वेयर यू नो, हमारी काफी अच्छी डिस्कशन हुई अपनी सर्विस को अच्छा करने के लिए एंड दे रिक्वेस्ट कि आप राइफल्स भी इंडिया में सेल करो। और फिर उनसे काफी लंबी चौड़ी हमारी बात हुई एंड होपफुली यू विल सी लॉट ऑफ राइफल्स इन इंडिया। ऑल्दो आप लोगों ने देखा होगा कि हम लोग राइफल पे बुलिश नहीं है इतने, वी डोंट सेल लॉट ऑफ एयर राइफल्स, बट नाउ मे बी दिस ईयर यू विल सी लॉट ऑफ एयर राइफल्स। जितनी भी एयर राइफल्स इंडिया में आती हैं, एयर राइफल के साथ इशू ये है कि दे आर लिटिल बिट पावरफुल। ऑल्दो इंडियन मार्केट के लिए जो है जो आती हैं वो $20 से नीचे आती हैं, और उसके लिए जो क्योंकि जो इंटरनेशनल मार्केट में बनती है दे आर वेरी पावरफुल, बट इंडिया में जो आती हैं वो थोड़ा लेस पावरफुल का आता है। बट एनीवेज आज मैं आपको डेमो दिखाने वाला हूं, डेमो नहीं दिखाने वाला हूं, आई विल डू अ बेसिक अनबॉक्सिंग करके दिखाने वाला हूं ऑफ डायना स्काई हॉक, और इसके बारे में आपको बेसिक बातें बताने वाला हूं ये कैसे बॉक्स में आता है क्या। अगर आप इस वीडियो को 1000 लाइक देंगे, 1000 लाइक, तो फिर हम इसकी फायरिंग वीडियो करेंगे और अच्छे से इसकी वीडियो बनाएंगे, बट दिस इज द बेसिक वन। सबसे पहले इसे बनाया गया है डायना ने, डायना स्काई हॉक इसका नाम है, दिस इज डायना स्काई हॉक। आई एम ट्राइंग टू स्पीक इन इंग्लिश एज वेल एज हिंदी, दोनों मेरी उतनी अच्छी नहीं है, बट देयर शुड बी नो फाइट कि आप हिंदी में बोलो आप इंग्लिश में बोलो। देखो साउथ से लोग देखते हैं, दे कांट अंडरस्टैंड हिंदी, जो लोग नॉर्थ इंडियंस हैं बहुत से लोग जो है इंग्लिश कहते हैं, इंग्लिश में बोलो शर्म आती है, तो हम उस फाइट में नहीं जाना चाहते, इंग्लिश बोलेंगे, विल टॉक इन इंग्लिश। सो दिस इज डायना स्काई हॉक, यू नो परफॉर्मेंस एयरगन सिंस 1890, तब से जो है ये कंपनी है। दूसरा, ये ऐसे बॉक्स में आता है एंड इंस्पेक्शन में, खोलने में, चेकिंग में आप देख सकते हो ऐसे बॉक्स वगैरह जो है फट जाता है, तो डोंट एक्सपेक्ट अस कि बहुत अच्छे कंडीशन के बॉक्स में आएगा। आई नो यू आर बाइंग अ सच एक्सपेंसिव एयर राइफल, यू एक्सपेक्टेड इन टू अ वेरी क्रिस्प आईफोन टाइप के बॉक्स में, बट वैसा नहीं है हमारे पास। हम इसके अभी क्योंकि हमने इसको जस्ट स्टार्ट किया सेल करना, तो हमारे पास इसके लिए कस्टमाइज गन बॉक्स नहीं है, होपफुली हम इसे बना देंगे। पीसीपी से भी आप इसके अंदर गैस भर सकते हो, पीसीपी है मतलब स्कूबा डाइविंग से भी आप गैस भर सकते हो, पंप तो है ही है, पैलेट इसके अंदर पैलेट डलता है, इट्स एन ऑब्वियस रीजन, एयर राइफल में पैलेट ही डलते हैं ज्यादातर। एडजस्टेबल ट्रिगर है, मुझे नहीं पता कैसे एडजस्ट करते हैं, बट एडजस्टेबल लिखा DIT, I don't know the meaning. Mild rail, इसके ऊपर स्कोप लगाने के लिए बनाए गए हैं। Adjusted rear side, पीछे का rear side आप adjust कर सकते हो। Safety manual है, regulated है। What does regulated mean? कि starting के जो pellet में जो power आएगा, आखिर के जो gas वाले में भी same power आएगा। So this is the regulated version का मतलब। Smooth side lever जो side इसका जो है, वो smooth है। ऐसा ये लोग claim कर रहे हैं। पीछे जाके देखेंगे इसके बारे में। आप देख सकते हो ये काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जो मैनुअल आती है इसके साथ उसमें इसका पावर जहां लिखा होता है, बट जो कंपनी इंडियन मार्केट के लिए बेचती है उसमें 19 जाउल आता है, आप इस पे देख सकते हो इस बॉक्स पे लिखा हुआ है। सिस्टम प्रीफिल्ड चार्ज है, राइफल रन राइफल बैरल है, कैलिबर 0.177 4.5 mm, क्योंकि इंडिया में 4.5 mm के लाइसेंस की रिक्वायरमेंट नहीं है। मैगजीन कैपेसिटी 11 शॉट है, कार्टेज 265 ml है, ओवरऑल लेंथ जो है इसकी 737 mm मतलब 29 इंच, बैरल की लेंथ जो है 22 इंच है, मैक्स जॉल 19.9 जॉल। देखिए ये बनती जो बाहर की कंट्रीज के लिए पावरफुल बनती है, बट इंडिया में के लिए जो है इसे टोन डाउन किया गया है, 20 जॉल से नीचे रखा गया है, और टू बी वेरी फ्रैंक अगर आप जिस जो पैलेट्स का रिकमेंडेड है उसमें 15-16 जॉल ही आपको मिलेगा, इससे ज्यादा आपको मिलेगा नहीं, ठीक है। ये तो उन्होंने लिख दिया ज्यादा, बट इतना पावरफुल है नहीं है। दूसरा ये गन है, आप देख सकते हो ऊपर डवटेल है, डायमंड चेकिंग डिजाइन है, मतलब इसको इस पे हाथ से काम किया गया है। डायना इंप्रूव ट्रिगर, डायना राइफल्स में एक्सपर्ट है, मतलब समझ लो 1890 हम लोग यहाँ पे इंडिपेंडेंस की लड़ाई कर रहे थे और ये लोग राइफल्स बनाए जा रहे थे, कंपनी बनाए जा रहे थे, तो काफी अच्छी ये गन है। अब चलिए मैं आपको खोल के दिखाता हूँ इसके बारे में। कुरियर वगैरह में अच्छे से गया तो आपको ठीक ठाक मिलेगा, बट वरना ऐसे ही आप पैकेज एक्सपेक्ट कर सकते हो, ज्यादा जो है अच्छी बॉक्स को आप एक्सपेक्ट मत करिए, मैं पहले ही बता देता हूँ। नाउ कम्स द गन, दिस इज द गन। आपको इसके साथ ऐसे इसके अटैचमेंट्स वगैरह आएंगे, अगर आपको पता नहीं है कि क्या करना है कैसे यूज करना है, डोंट मेस अराउंड विद दिस, इसको छेड़िएगा मत, मैनुअल पढ़ लीजिएगा उसके अंदर आपको डिटेल्स मिल जाएंगी। ये इसका मैगजीन है, हमारे पास एक्स्ट्रा मैगजीन नहीं है, जब
टीम आई थी जर्मनी से हमारे ऑफिस, हमने उनको स्पेशली आधे घंटे तक एक ही बात रिपीट में बोला कि मैगजीन चाहिए, मैगजीन चाहिए, मैगजीन चाहिए, मैगजीन चाहिए, इवन फॉर अ CO2 गन्स। तो उन्होंने हमें एश्योरेंस दिया है कि दे विल लुक आफ्टर इट, दे विल लुक आफ्टर द सर्विस। तो देखते हैं, नाउ कम्स द गन। दिस इज द एयर राइफल विच इज क्वाइट अ गुड। मैं आपको इसकी स्पेसिफिकेशन बता देता हूँ। एक तो 0.177 मतलब 4.5 mm हो गया, 11 राउंड की कैपेसिटी है, 11 पैलेट इसके अंदर आप डाल सकते हो। मैंने बता दिया अप टू 20 जाउल जो इसकी पावर है, उतना भी आप एज्यूम मत करो, 15-16 जाउल ही मिलेगा मैक्सिमम। आई डोंट थिंक सो उतना भी आपको मिलेगा, उससे कम ही होता है। 300 मीटर पर सेकेंड जो इसकी मतलब 985 FPS है इसका पावर। और इसका पावर जो है, मैं आपको टू वेरी फ्राइंग बताऊँ कि जो उसके साथ पैलेट बेसिक चलाओगे उतना पावर भी नहीं मिल सकता। तो 900 के आसपास आप लगा के चलो आपको पावर मिलेगा। सेफ्टी इसकी मैनुअल है, 2.7 किलो जो है इसका वजन है। दूसरा इसकी जो ये देख रहे हो ग्रिपिंग्स, इसे कहते हैं ये लोगों ने लिखा है लैमिनेटेड, आई डोंट नो व्हाट डज लैमिनेटेड मीन, क्योंकि मुझे वुड के बारे में ज्यादा पता नहीं है, बट इट लुक्स क्वाइट नाइस, क्वाइट फिनिशिंग इसकी जो है, ऐसा लग रहा है इसके ऊपर कुछ इन्होंने लगाया हुआ है। होपफुली इसके ऊपर क्या पता प्लास्टिक जो मारा गया हो, बट इट लुक्स वेरी नाइस। बैरल इसकी जो है ये टोटल 29 इंच का है, और ये यहाँ से जो बैरल है वो 22 इंच का है। रेगुलेटर वर्जन है, साइड लिवर है, पीछे मैं आपको दिखाने वाला हूँ। दूसरा डेंजरस एरिया 675 मीटर लिखा होता है। 675 मीटर का मतलब ये है कि अगर एक सर्टन एंगल से भी गया या किसी भी तरह से गया, पावर खत्म होने के बाद 675 मीटर तक जा सकता है, जाएगा। आई एम नॉट श्योर कि ये 100 मीटर तक भी मार कर सकता है, बट अगर लिखा हुआ है 675 मीटर तो आप लगा के चलो कि 1 किलोमीटर तक ही है। ऑल्दो स्नाइपर्स की भी उतनी नहीं होती है, बट यू नो यूज इट केयरफुली। और ये गन है, आप देख सकते हो काफी खूबसूरत पीस है, दिस इज द गन। एक मेरा पर्सनल रिक्वेस्ट रहेगा, जो भी इसे परचेस करेंगे, डोंट ट्राई टू बिकम अ साइंटिस्ट। मैं बहुत सारे क्लाइंट्स को देखता हूँ, वो यूट्यूब पे वीडियोस देखते हैं और पूरी गन वगैरह खोल लेते हैं। अगर आप खोलेंगे, डू इट एट योर ओन रिस्क, मतलब खराब हो जाएगा तो आप देख लोगे, आफ्टर ऑल आपने खरीद लिया है तो आपकी मर्जी, बट डोंट डू इट एंड दैट्स इट। अगर आप इसे परचेस करना चाहते हैं या हमारी टीम से बात करना चाहते हैं, स्क्रीन पे नंबर आपको दिख रहा होगा, एक कॉलिंग का नंबर है, अदर इज व्हाट्सएप नंबर। फॉर बाइंग दिस राइफल आई विल रिकमेंड यू यूज व्हाट्सएप नंबर सो दैट द पर्सन हु इज एक्सपर्ट ऑन दिस कैन हेल्प यू। एंड पेमेंट ऑप्शन हमारे पास सारे हैं, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड, बैंक ट्रांसफर सब कुछ है, आप क्रेडिट कार्ड से भी इसकी पेमेंट कर सकते हो। लाइसेंस चाहिए नहीं, 0.177 है, लाइसेंस की रिक्वायरमेंट नहीं है, बट आपकी फोटो आईडी मैंडेटरी है गवर्नमेंट के रूल के अनुसार, तो आपको फोटो आईडी देना पड़ेगा। दूसरा, इसमें टेढ़े मेढ़े पॉइंटेड पैलेट्स इस्तेमाल मत करिए, गन खराब हो जाएगा। यूज द बेसिक पैलेट, पंप्स वगैरह इसके साथ खरीद लीजिएगा आप। इफ यू हैव मनी, इफ यू हैव फंड, यू कैन बाय अ स्कूबा टैंक। स्कूबा टैंक जो है हम जनरली प्रमोट नहीं करते हैं, बट देन अगर आप रेगुलरली यूज करेंगे तो यू कैन यूज दैट। एंड थैंक यू सो मच गाइस, 1000 लाइक के बाद हम इसके ऊपर डालेंगे। दूसरा, हमारे पास बरेटा एज वेल एज ग्लॉक अभी स्टॉक में है, जनरेशन 4, तो अगर आपको खरीदना है वो भी आप खरीद सकते हैं। सेम नंबर पे हमारे टीम से आप बात कर सकते हैं। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, टिल देन गाइस हैव फन।